सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ ऑफरल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कीजिए डेली ऑनलाइन में सेविंग करने के लिए। आज हम लोग पास जो डिवाइस है वो काफी महंगा डिवाइस है, उसे हम लोग अनबॉक्स करेंगे और उसके फीचर सबके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग पास जो डिवाइस है वो है लेनोवो की तरफ से आइडिया पैड 330 और ये i5 8 जनरेशन का। इसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे क्या क्या फीचर्स है और इसे अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसके साथ क्या क्या मिला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो इसका मैं हाईलाइटेड फीचर में बात करता हूँ तो आप लोगों को जो ग्राफिक्स कार्ड मिला है वो 2GB DDR5 का मिल जा रहा है। आप लोग जो प्रोसेसर मिल रहा है इंटेल i5 8 जनरेशन का 8250U यानी कि 8250U मिल जा रहा है। और आप लोगों को जो रैम मिला है वो 8GB का DDR4 का मिल जा रहा है। आप लोगों को जो हार्ड डिस्क ड्राइव मिला है यानी कि SSD मिल रहा है वो मिल रहा है 1TB का। और आप लोगों को जो क्लॉक स्पीड मिल रहा है 1.6 से लेके 3.4 तक आप लोग बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1.6 GHz टू 3.4 GHz तक आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग को जो ग्राफिक्स प्रोसेसर मिल रहा है वो NVIDIA का GeForce का MX150 मिल जा रहा है, जिसमें कोर जो रहेगा वो 4 कोर रहेगा। आप लोग को इसको ओरिजिनल विंडोज़ के साथ आ रहा है। ये इसका DOS वर्जन भी मिलता है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप लोग DOS वाला वर्जन खरीदना चाहते हैं तो DOS वाला भी खरीद सकते हैं। ये मैं जो खरीदा हूँ वो विंडोज़ वाला खरीदा हूँ, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना पड़ता है। तो विंडोज़ आदि आप लोग खरीदते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के काम के लिए यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, तो आप लोग को काफ़ी सेफ्टी रहता है। लेकिन आप लोग यदि पायरेटेड विंडोज़ लेते हैं तो वहाँ पर आप लोग को हैक करना थोड़ा ईजी हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ओरिजिनल हैक नहीं होता है, लेकिन वहाँ हैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है और पायरेटेड काफ़ी ईजी है हैक करना, इसलिए मैं ओरिजिनल हमेशा यूज़ करता हूँ। तो आप लोग DOS खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग DOS भी खरीद सकते हैं। और इतना ही है, चलिए हम लोग अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा हम लोग को देखने मिलता है। तो ये हम लोग पास लेनोवो का आइडिया पैड 330 है हम लोग पास। चलिए देखते हैं हम लोग का। यहाँ पे हम लोग का ऐसे करके बॉक्स है, इधर पे लिखा हुआ है डोंट बी स्ट्रेंजर। यहाँ पे आप लोग स्कैन कीजिएगा तो आप लोग को वारंटी अपडेट सब ऑटोमेटिकली होगा। पीछे में कुछ दिया गया नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिटेल्स में क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पे जो दिया गया है नेम ऑफ कम्युनिटी लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम है, MTM जो है वो 81DE01K01I है और मॉडल नंबर है 81DE, जिसको हम लोग बोलते हैं लेनोवो आइडिया पैड 330E15IKBDN। ठीक है, जो स्क्रीन साइज है वो 39.62 सेंटीमीटर का यानी कि 15.6 इंच का है। क्वांटिटी एक है और उसके अंदर जो है वो कंप्यूटर एक है, एक बैटरी है, एक अडेप्टर है, एक मैनुअल है और एक पावर कॉर्ड है और ये सब दिया गया है। आपका MRP देखिए जो लिखा गया है वो 62,290 लिखा गया है और मेड इन चाइना है ये सब बताया गया है। चलिए हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो ये जो मेरे पास लैपटॉप है वो है फ्लिपकार्ट से परचेज यूनिट, मैं धमाका सेल में परचेस किया हूँ। तो चलिए हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे जो सील दिया हुआ है उसे हम लोग काट लेते हैं। एक सील सा है और बाकी सब तो हम लोग हटा ही लिए हैं और इसे खोलते हैं। चलिए इसको आप देखते हैं आउटसाइड में कई सील है नहीं है और तो मैं हम लोग नीचे से इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे सील है क्या लिखा हुआ है डोंट बी स्ट्रेंजर, यहाँ पे शायद वारंटी का होगा। मैं स्कैन बाद में करके देखता हूँ इसके अंदर क्या है। तो चलिए खोलते हैं इसको अंदर से देखते हैं क्या है अंदर में। इधर पे इस साइड में एक जो मिला है हम लोग को ये अडेप्टर है चार्जिंग के लिए, कुछ इस टाइप का दिख रहा है और ये मैं पैकेट रख देता हूँ और अंदर से निकालता हूँ हमारा प्यारा सा लैपटॉप जो कि है ये अडेप्टर को साइड करते हैं। ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है और ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। मगर यहाँ पे लोगो मिल गया है और हम लोग इसे तो ओपन करते हैं। ये रहा खूबसूरत सा है और इसका मैं डिटेल में भी व्यू दूंगा 360 व्यू में। तो ये देखिए ये लेनोवो का लैपटॉप है हम लोगों के पास और देखते हैं हम लोग इसका ओवरव्यू क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग ये चार्जिंग पॉइंट है, ये हम लोग का यदि आप लोग का इंटरनेट कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दो टाइप का पोर्ट होता है, छोटा टाइप का एक बड़ा टाइप का। तो बड़ा वाला लगाने के लिए आप इसको टान के बड़ा वाला लगा भी सकते हैं। यहाँ पे HDMI पोर्ट है, यहाँ पे USB पोर्ट है दो ठो और यहाँ पे आप लोग हेडफोन जाएगा यानी कि 3.5mm जैक का पोर्ट है, ये टाइप सी का पोर्ट है और ये इसमें क्या जाएगा HDFC का कार्ड जाएगा। यहाँ पे देखिए एक लाइट इंडिकेटर है, जब आप लोग ऑन कीजिएगा तो ये इंडिकेट करेगा।
इधर पे कुछ खास है नहीं, ये जो आप लोगों को डीवीडी टाइप का दिख रहा है ये डीवीडी ड्राइव इसमें दिया नहीं गया है, बस ऐसे करके दिया गया कि आप लोग बाद में कभी लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये डीवीडी ड्राइव है नहीं, ऐसे ही टाइप का फेक टाइप का दिया गया है। तो ये देखिए ये दो स्पीकर यहाँ पे आप लोग दिख रहा है, यहाँ पे फैन है और इस कॉर्नर में भी एक फैन दिया गया, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे फैन है, आप लोग ऑन कीजिएगा तो इधर से भी एक हवा निकलने का हीट निकलने का जगह है, यहाँ पे भी फैन दिया गया। तो बस इसी टाइप का लुक है और बेटर लुक के लिए आप लोग वेट कीजिए, 360 व्यू तो आएगा ही। तो इसे ऑन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। ये देखिए ये हम लोग का लैपटॉप है, इसको हम लोग ऑन करते हैं, ये यहाँ पे स्विच है, ऑन करते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया। यहाँ पे देखिए इंटेल कोड i5 8 जनरेशन लिखा गया है, यहाँ पे एनवीडिया का भी एक है लोगो दे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग स्कैन कीजिएगा तो आप लोग टेक्निकल सपोर्ट सब हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है लेनोवो आइडिया पैड 330 स्टाइलिश डिज़ाइन टाइप सी और USB जो है वो 3.1 जनरेशन 1 का है, डॉल्बी ऑडियो साउंड मिलेगा आप लोग को, ये सब दिया गया है और ऐसा ही कुछ लुक है। तो मैं इसको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ कि आप लोग को देख पाएँ आप लोग स्क्रीन, तो यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस का की जो होगा उससे हम लोग बढ़ा देंगे। तो आप लोग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन, देखिए काफ़ी सुंदर सा स्क्रीन दिख रहा है, मैं ऑन कर लेता हूँ इसको। तो ये ऑन हो गया, इस टाइप का आप लोगों को लुक मिल जाएगा। तो ये जो है आप लोग का यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल में यहाँ पे दो स्विच दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा ही तो स्विच है, ये डिवाइड कर देगा तो इस तरफ का आप लोगों को लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्विच नहीं दिया गया है, इस टच पैड के अंदर ही स्विच दे दिया गया है इधर इधर। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या बोल रहा है, HD कैमरा मिल जा रहा है, तो जिसके कारण आप लोग अच्छा फोटो भी ले सकते हैं। यदि आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो आप लोग अच्छा से लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, यदि वीडियो चैट करना है तो उसमें भी आप लोगों का काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे आप चेक कीजिएगा था कैप्चर हो गया और ये हो जाएगा वीडियो मोड, वीडियो मोड में भी आप लोग अच्छा से कर सकते हैं। देखिए ये तो मैं शाम का टाइम है तब इतना क्लियर आ रहा है और डे लाइट में तो और ज़्यादा क्लियर आएगा, ये शाम के टाइम में इतना ज़्यादा क्लियर आ रहा है, तो आप लोग ये सब भी कर सकते हैं। तो ये सब के लिए काफ़ी अच्छा है आप लोगों को, क्योंकि HD कैमरा मिल जा रहा है तो आप लोग कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छा आएगा। आप लोग यदि लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप लोग आराम से छोटा सा मेन्यू में कैमरा खोल के आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, इतना बड़ा करके छोटा करके, और आप लोग यहाँ से जो भी फंक्शन कीजिएगा आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग होगा, या फिर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग रिकॉर्ड करके कुछ ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं तो वो सब भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आराम से आप लोग कर सकते हैं, ये सब के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को HD 720 का कैमरा मिल रहा है, यानी कि आप लोगों को पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और काफ़ी स्मूथ मिल जाएगा। इस पीसी की अच्छी बात क्या है दीदी, आप लोगों को मैक फ्री जो है वो एक साल के लिए फुल्ली एक्टिवेटेड मिल जाता है, एक साल तक आप लोग को कोई भी एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं है। देखिए मैक फ्री फुल्ली एक्टिवेटेड आप लोग को मिल जाता है, ये इसमें आप लोग को वेब सिक्योर भी कर देता है, वेबसाइट जो सब है वो सबको सिक्योर कर देता है, काफ़ी आप लोग को पीसी को सिक्योर कर देता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। एक साल के लिए आप लोग कोई भी एंटीवायरस के तरफ देखने का जरूरत नहीं है, आप लोग बिंदास यूज़ कर सकते हैं। और ये सब चारों सॉफ्टवेयर पे मैं एक ट्यूटोरियल लाऊंगा कि कितना देरी में रेंडर हो रहा है, कितना फास्ट काम कर रहा है और गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब के ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, तो इसके लिए आप लोग वेट कीजिए, इसी चैनल पे आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा जिसपे मैं गेमिंग परफॉर्मेंस और रेंडर परफॉर्मेंस सब बताऊंगा। तब तक के लिए आज का वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके ये भी लिख सकते हैं कि आप लोग को ये लैपटॉप कैसा लगा। आप लोग को इस लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लोग ऐसा कुछ समझिए पर्टिकुलर गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हैं या आप लोग एडिंग के लिए खरीदना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका कॉन्फिगरेशन आप लोग को रिप्लाई में लिख दूंगा। तो ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फ्रेश एपिसोड में।